नमस्कार दोस्तों, ज्ञान संगम क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने रोमांटिक एज के नॉवलिस्ट वॉल्टर स्कॉट और जेन ऑस्टन को डिस्कस किया था। रोमांटिक एज में कुछ गोथिक नॉवलिस्ट भी आए हैं, जैसे मैरी शेली, होरेस वॉलपोल एंड एनी रेडक्लिफ को हम गोथिक नॉवलिस्ट की कैटेगरी में रखते हैं। गोथिक नॉवलिस्ट को आज मैंने स्टार्ट किया है, उसी सीरीज में मैंने शुरू किया है आज मैरी शेली को। लेट्स स्टार्ट मैरी शेली। मैरी शेली का लाइफ टाइम है 1797 से 1851 तक। मैरी शेली डॉटर ऑफ विलियम गोडविन एंड मैरी वुल स्टोन क्राफ्ट। मैरी शेली विलियम गोडविन और मैरी वुल स्टोन क्राफ्ट की बेटी थी, वाइफ ऑफ पीबी शेली और पीबी शेली की पत्नी थी। तो आप देख सकते हैं कि मैरी शेली राइटर्स की जो एक फैमिली है उससे बिलोंग करती है। मम्मी और जो उनके फादर मदर हैं वो भी राइटर हैं, और दूसरी तरफ उनके हस्बैंड हैं वो भी एक पोइट है। हर वर्क्स उनके वर्क्स हैं फ्रैंकेंस्टीन और मॉडर्न प्रोमेथियस, जो 1818 में आया था। माथिल्डा इनका नोवेला है जो फादर और डॉटर के इंसेस्टुअस रिलेशनशिप के बारे में है। थर्ड वन है द लास्ट मैन। लास्ट मैन में दो कैरेक्टर हैं जो टू लिटरेरी फिगर्स को प्रेजेंट करते हैं, वो कौन से हैं? शेली और बायरन। फोर्थ वन है द पोएटिकल वर्क्स ऑफ पीबी शेली। ये चार वर्क्स में से सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क है फ्रैंकेंस्टीन एंड मॉडर्न प्रोमेथियस। ये जो माथिल्डा, द लास्ट मैन और पोएटिकल वर्क्स में जो मैंने लिखा है इसी के बारे में ही क्वेश्चन पुट किया जाता है। ज्यादा डीप में इसमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार इनसे गो थ्रू हूँ क्योंकि ये तीनों ही वर्क इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाएगा तो इनसे रिलेटेड जो ये लिखा हुआ है ये किसके बारे में है, और दूसरा ये जो करेक्टर्स हैं ये किन दो लिटरेरी फिगर को प्रेजेंट करते हैं, ये पूछा जाएगा। अब देख लेते हैं फ्रैंकेंस्टीन की स्टोरी क्या है। इसमें फ्रैंकेंस्टीन का सब टाइटल है मॉडर्न प्रोमेथियस। फ्रैंकेंस्टीन को साइंस फिक्शन भी कहते हैं, गोथिक नॉवल भी कहते हैं, या फ्रेम नैरेटिव में लिखा गया है, एपिस्टलरी फॉर्म में लिखा गया है। इन चारों में से एग्जामिनर आपको कोई भी एक ऑप्शन दे देगा और ये पूछेगा कि ये जो नॉवल है ये कैसा है। और ये जो अब नेक्स्ट है नॉवल डेडिकेटेड टू विलियम गोडविन, ये जितने भी मैंने स्टार लगाए हुए हैं ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए आपको इनसे गो थ्रू होना ही चाहिए। नोवल डेडिकेटेड टू, जो फ्रैंकेंस्टीन नोवल है वो किसको डेडिकेटेड है? विलियम गोडविन को। सब टाइटल ऑफ द नोवल, फ्रैंकेंस्टीन का सब टाइटल क्या है? मॉडर्न प्रोमेथियस। एपिग्राफ ऑफ फ्रैंकेंस्टीन टेकन फ्रॉम, जो एपिग्राफ है जो प्रस्तावना है फ्रैंकेंस्टीन की वो कहां से ली गई है? पैराडाइज लॉस्ट से। व्हाट इज एपिग्राफ ऑफ द नोवल, और जो नोवल का एपिग्राफ है जो पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया है वो कौन सा है, वो कौन सी लाइन है? डिड आई रिक्वेस्ट दी मेकर फ्रॉम माई क्ले टू मोल्ड मी मैन, डिड आई सोलिसिट दी, मुझको बनाने वाले क्या तुम मुझे एक आदमी बना सकते हो, मैं तो तुमसे यही मांग कर सकता हूँ। इन द नोवल मॉन्स्टर डिड नॉट किल, इस नोवल में मॉन्स्टर किसे नहीं मारता है? विक्टर फ्रैंकेंस्टीन को नहीं मारता है। ये क्वेश्चन भी नेट में आ चुका है, और आगे जब करेक्टर लिस्ट देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि विक्टर फ्रैंकेंस्टीन को छोड़कर बाकी के जो तीन जो करेक्टर हैं जो मेन हैं उनको मॉन्स्टर मार देता है। चलिए डिस्कस करते हैं स्टोरी को।
चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फ्रैंकेनस्टीन की स्टोरी। इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? सबसे पहला है रॉबर्ट वॉल्टन, मार्गरेट सेविले, विक्टर फ्रैंकेनस्टीन, विलियम जो विक्टर का भाई है, हेनरी विक्टर का फ्रेंड है, एलिजाबेथ जिससे विक्टर शादी करना चाहता है और जो विक्टर की फैमिली ने गोद ली होती है, जस्टिन जो मेड है। स्टोरी में है क्या? रॉबर्ट वॉल्टन जहाज का एक नाविक होता है, वो नॉर्थ पोल पर ग्रेविटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाता है। बीच में ही तूफान आ जाता है और समुद्र के ऊपर बर्फ जम जाती है। उसी बर्फ के बीच में उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम है विक्टर फ्रैंकेनस्टीन। और यह कहानी, विक्टर फ्रैंकेनस्टीन की कहानी, रॉबर्ट वॉल्टन अपनी बहन मार्गरेट सेविले को लेटर्स के थ्रू बता रहा है। विक्टर फ्रैंकेनस्टीन अपनी कहानी रॉबर्ट वॉल्टन को बताना शुरू करता है और बताता है कि उसकी फैमिली जिनेवा में रहती है। उसकी फैमिली बहुत ही पोलाइट है और उन्होंने कुछ बच्चों को गोद लिया है जिसमें जस्टाइन जो उनकी मेड और एलिजाबेथ भी शामिल है। जैसे ही विक्टर की उम्र बड़ी होती है तो उसे पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया जाता है। और जब वह इंग्लैंड चला जाता है तो पीछे से उसकी माँ की डेथ हो जाती है फीवर के कारण। तो उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है और वह यह सोचता है कि वह यह खोज करेगा कि जीवन है क्या और आदमी में जीवन कैसे पैदा किया जा सकता है। इसीलिए वह अपनी लेबोरेटरी में जाता है और एक्सपेरिमेंट करता है। कुछ जो मरे हुए लोगों की हड्डियों को इकट्ठा करता है और उनमें एक्सपेरिमेंट करते हुए, केमिस्ट्री और अल्केम से एक्सपेरिमेंट करते हुए वह एक क्रिएचर को पैदा करता है जिसका जो देखने में बहुत ही बदसूरत होता है। और जैसे ही वह पैदा करता है तो वह जैसे ही उसके सामने आता है तो वह भी देख कर डर जाता है। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वह अपने घर में इन्फॉर्म करता है कि उसकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। बदले में लेटर्स के थ्रू यह जानता है कि उसके भाई विलियम की डेथ हो चुकी है। और विलियम की डेथ का इल्ज़ाम जो है जस्टिन जो उनकी मेड है उस पर आता है। उसी के ऊपर ये सब की शक की सुई जाती है कि इसी ने ही विलियम की हत्या की होगी। लेकिन विक्टर को पता है कि यह जो डेथ की गई है ये किसके द्वारा की गई है, यह उस मॉन्स्टर के द्वारा की गई है जो विक्टर ने पैदा किया है। अब क्या होता है आगे? विक्टर ने जो पैदा किया है वह बहुत ज्यादा भयानक है। वह जहां भी जाता है लोग उसे धुतकारते हैं और बहुत ज्यादा देखकर उसको डर से भाग जाते हैं। इसीलिए वह विक्टर के पास आकर के कहता है कि मैं जहां भी जाता हूँ वहां पर लोग मुझे देखकर भाग जाते हैं, इसीलिए तुम मेरे लिए एक फीमेल मॉन्स्टर बनाओ ताकि हम दोनों अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इसीलिए विक्टर कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक फीमेल मॉन्स्टर बना देता हूँ। इसी बीच में विक्टर के पिता की यह ख्वाहिश होती है कि तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए एलिजाबेथ से और अपना एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहिए। विक्टर भी इस बात से सहमत हो जाता है और विक्टर ये कहता है कि मेरा इंग्लैंड में एक काम पेंडिंग है, पहले मैं उसे करके आता हूँ। और वापस वो इंग्लैंड चला जाता है और इंग्लैंड में दोबारा से हड्डियों को जोड़कर क्रिएचर बनाने की कोशिश करता है, फीमेल मॉन्स्टर बनाने की कोशिश करता है। लेकिन रात को बैठ के सोचता है तो उसे यह रियलाइज होता है अगर मैंने फीमेल मॉन्स्टर को बना दिया तो ये दोनों बच्चे पैदा करेंगे और सारे विश्व का विनाश कर देंगे। इसलिए वह इस आइडिया को क्विट कर देता है। पीछे जो है मॉन्स्टर इसे देख रहा होता है तो वह कहता है कि तुमने ये सब क्यों कर दिया। और उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ और विक्टर की शादी होने वाली है। तो वह मॉन्स्टर विक्टर को कहता है कि मैं तुम्हारी भी शादी नहीं होने दूंगा और तुम्हें शादी वाले दिन मिलता हूँ। दूसरी ओर विक्टर ये सोचता है कि इन हड्डियों को मैं किसी पानी में बहा देता हूँ ताकि ये कोई नुकसान ना कर सकें। और वह इसे बहाने के लिए
पानी में बहाने के लिए जाता है, वहीं पर पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है और उसके ऊपर चार्ज लगता है कि उसने अपने दोस्त हेनरी का मर्डर किया है, लेकिन उसे पता है कि यह मर्डर उसने नहीं किया है बल्कि उस मॉन्स्टर ने किया है। बाद में सब क्लैरिफाई हो जाता है कि विक्टर ने हेनरी को नहीं मारा है। तब शादी वाले दिन एलिजाबेथ की और विक्टर की शादी वाले दिन विक्टर और एलिजाबेथ की शादी हो रही होती है। शाम रात के टाइम एलिजाबेथ की भी यह सूचना आती है कि उसका भी मर्डर हो चुका है। तो विक्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि विक्टर को पता है कि एलिजाबेथ की डेथ किसी और ने नहीं की, एलिजाबेथ का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि उसी मॉन्स्टर ने किया है। वह उसको ढूंढते हुए आता है और इसी ढूंढने की प्रोसेस में वह बर्फ से गिर जाता है और बर्फ से गिरने के बाद वह रॉबर्ट वॉल्टन को मिलता है। उसके बाद जो हुआ वो आपको पता ही है। इस तरीके से यह स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे वो मैंने उनके ऊपर पहले ऑलरेडी डिस्कस करते हुए स्टार लगाया था कि ये जो किसको डेडिकेटेड है, इसका जो एपिग्राफ है वो कहाँ से लिया गया है, तीसरा जो ये जो एपिग्राफ है वो है क्या, इसका सब टाइटल क्या है, इसी तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो मेनली पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन और है जो नेट में पूछा गया है वो ये, सेम जो करेक्टर्स हैं वो दे दिए गए थे, ये जो करेक्टर्स हैं इन करेक्टर्स में से कौन सा ऐसा करेक्टर है जो मॉन्स्टर के द्वारा नहीं मारा गया था, वो है विक्टर फ्रैंकनस्टीन। ये सभी जो करेक्टर्स थे ये मॉन्स्टर के द्वारा मार दिए जाते हैं, सिर्फ एक विक्टर फ्रैंकनस्टीन को ही वह नहीं मारता है। ये क्वेश्चन भी नेट में आ चुका है, इसलिए आप इन करेक्टर्स को एक बार ध्यान से पढ़ें। इसी के साथ ही हमने आज मैरी शैली को कंप्लीट किया। मैरी शैली में मेनली हमने उनके वर्क फ्रैंकनस्टीन, दूसरा जो है माथिल्डा में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ उसमें यही इम्पोर्टेंट है कि इसमें इंसेस्ट थीम को लिया गया है, जो मेनली पूछ लिया जाता है कि किस नोवेल में थीम ऑफ इंसेस्ट दिखाया गया है। थर्ड जो था वो उनका वर्क था द लास्ट मैन, जिसमें टू लिटरेरी फिगर्स हैं वो कौन से हैं ये पूछा जा सकता है। फोर्थ वन जो था द पोएटिकल वर्क्स ऑफ पीबी शेली, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पोएटिकल वर्क्स ऑफ पीबी शेली किसने लिखा, तो ये किसने लिखा, मैरी शेली ने लिखा। इसी के साथ ही ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। नमस्कार, धन्यवाद।